लोग हंसते हैं हिंदुस्तान पे कि ये किस तरह के पागल लोग हैं कि किसी को पकड़ के मार डाला कि ये गाय काट रहा था, किसी को कुछ इस तरह से ब्लिंचिंग कर रहे हैं, पागलपन किए जा रहे हैं। 4 साल से पागलपन हुआ है इस मुल्क में। सर, गाय को सबसे बड़ा हवा बना के पेश किया गया है। मैंने तो देखी, साफ साफ कह दिया, मैं साइंटिफिक आदमी हूँ, मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ। जैसे घोड़ा है या कुत्ता है, वैसे गाय है, एक जानवर है। और दुनिया खाती है गाय बीफ, अमेरिका खाती है, यूरोप खाती है, अफ्रीका खाते हैं, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थाईलैंड, हमारे हिंदुस्तान में भी। अभी मैं केरल होके आया हूँ तो मैंने वहां बीफ खाया। क्या कोई बुरी चीज नहीं है? दुनिया खाती है, आप वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। हद कर दी पागलपन की। वो कहते हैं कि साहब गाय माता है क्योंकि वो दूध देती है पीने को, तो भाई बकरी भी देती है दूध पीने को, भैंस भी देती है, वो ऊंट का भी पीते हैं लोग दूध, तिब्बत में याक का पीते हैं, वो सब देवी देवता हैं। पागलपन की बातें, बेवकूफी की बातें। अब तुम गधे हो तो बने रहो गधा, मैं गधे का इलाज नहीं है मेरे पास। गाय को माता मानना और पूजा करना निहायत बेवकूफी की बात है। गाय एक जानवर है, जैसे घोड़ा और कुत्ता होता है, वैसे उससे ज्यादा मैं नहीं मानता। इसी तरह की इजहार राय खुलकर करने के बाद नसीरुद्दीन शाह को पाकिस्तान भेजने की बात, मुझे भेजो। अच्छा, उसको तो तुमने कर दिया। अच्छा, तो मुझे भेज के दिखाओ अगर हिम्मत हो तो। बेवकूफी की बात है, कोई इस बयान के बाद अकल की इस्तेमाल करो कि अकल बिल्कुल खो गई तुम्हारी। गाय माता है, गाय देवी है, पागलपन की बात है। दिखाता है दुनिया के सामने अपना मजाक उड़वा रहे हो, लोग सोचते हैं कि ये गधे हैं हिंदुस्तान में और कुछ नहीं। एक गाय से ज्यादा अहमियत इस वक्त, एक पुलिस अफसर से ज्यादा अहमियत एक गाय की नजर आती है। बुलंदशहर का मामला जिस तरह से सामने ये इस क्या बताएं, अब हम जो हो रही है चार से, मगर अब जैसे मैंने कहा अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहु। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदलिया सुप्रीम कोर्ट के साबिका जज साहब मारकंडे काचू साहब ने बहुत दिलेराना, बहुत बहादुराना एक स्पीच इंटरव्यू दिया है। मैं उन दिल की गहराइयों से मैं सलाम करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज साहब मारकंडे काटू साहब को। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और हर हिंदुस्तान इसी तरह खुल के बोलने की तौफीक दे। और खास तौर पे ये रिक्वेस्ट है गांव रक्षकों से कि आप लोग जरूर मारकंडे काटू साहब की वीडियो को सुनिए और करिए, कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए, कितनी तारीफ बयान करे। देखिए मारकंडे काटू साहब गौ माता की और कितनी तारीफ और कितनी बहादुरी के एजाजात से नवाजे, अवार्ड से नवाजे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब गौ रक्षकों को। जरूर वीडियो सुनिए मेरे भाई, इंशाल्लाह साथ में वीडियो एडिट करूंगा। कितनी अजमत बयान करे, कितनी बहादुरों का सर्टिफिकेट के तमगे लगाए। देखिए इन लोगों किसको, गौ रक्षकों को। जुबान अल्लाह सुबहान व तआला दे हलक के अंदर तो हक बयानी करने की तौफीक और सलाहियत भी दे हमारे अंदर। जो रात खबर में लिखी है वो रात खबर में आनी है इंशाअल्लाह, जो रात आनी है इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर मारकंडे काचू साहब। और गौ रक्षकों गौर से सुनो, साल के 11 महीने अम्मी जान को छोड़ देने वालों, बकरीद के महीने में ईद उल अजहा के अड्डे पर याद करने वालों, सुनो गौर से। गौ माता के अलावा ऊंटनी भी दूध देती, बकरी भी दूध देती,